हिमाचल प्रदेश की राजधानी में घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। सियासी ड्रामा, राज्यसभा चुनाव में 6 कांग्रेस विधायकों के बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के कुछ घंटे बाद शुरू हुआ। असंतुष्ट विधायकों को मनाने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 विधायकों से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिवकुमार को नियुक्त किया है। ऐसा माना जाता है कि ये 6 विधायक हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली से निराश हैं और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से मिलने के लिए बीजेपी ने समय मांगा है। बुधवार सुबह विधानसभा की बैठक से पहले बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिले। इसी बीच हलचल और तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार राज्य में कांग्रेस सरकार के अस्तित्व पर खतरा मंडराने के बीच हालात का जायजा लेने के लिए बुधवार सुबह शिमला पहुंच चुके हैं। उन्हें कांग्रेस हाईकमान ने भेजा है। डीके शिवकुमार को कांग्रेस का संकट मोचन माना जाता है। 6 विधायक राज्यसभा के लिए वोट डालने के बाद मंगलवार को शिमला से हरियाणा रवाना हुए। ऐसा माना जाता है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं। इससे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट गहराने के संकेत मिल रहे हैं। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति उन खबरों के बीच की गई जिसमें बीजेपी ने बुधवार की सुबह विधानसभा की बैठक से पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात करने की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायक दल ने नेता राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और ये दावा करते हुए विश्वास मत की मांग करेंगे कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में बहुमत गवा दी है। कर्नाटक में 4 सीट के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें जनता दल के उम्मीदवार डीके उपेंद्र रेड्डी भी शामिल थे। चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई और बीजेपी विधायक में से एक टीएस सोमशेखर ने कांग्रेस के अजय माकन के लिए मतदान किया, जबकि अन्य विधायक एस शिवराम हेबर ने मतदान में भी भाग नहीं लिया। यहां राज्यसभा चुनाव की जिम्मेदारी डीके शिवकुमार को दी गई थी। उन्हें कांग्रेस का संकट मोचन और चाणक्य भी कहा जाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।